चीन में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट पर है। इसको लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कोरोना वायरस को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही साथ कोरोना वायरस के लिए राज्य के 24 जिले में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ विशेष किया जा सकता है उसको लेकर बैठक में दिशा निर्देश दिया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह समेत 24 जिले के सिविल सर्जन मौजूद रहेंगे। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए रांची के एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। वहीं इस पर नगर निगम भी लोगों से अपील कर रही है कि अपना सावधानी बरतें। रांची डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने सुनिए क्या कहा। का कहर फिर से पूरे विश्व में जहां तहां दिखने लगा, विदेशों में फिर से बहुत भयावह स्थिति हो गई है। भारत में भी ये ना फैले इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दो दिनों से लोगों को आगाह करने का काम कर रहे हैं। रांची नगर निगम भी इन प्रयासों में अब लग रहा है। हम भी लोगों को सलाह देने का काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी सलाह देते हैं कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ हम जो काम नगर निगम करता है सैनिटाइजेशन का, ये सब स्थितियां जब आएंगी तो हम जरूर करेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे लेबर्स जो पिछली बार कोरोना वॉरियर के रूप में सभी लोगों ने जिनको देखा था, वो निरंतर अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आम लोगों को के लिए अभी अपील है कि आप जरूर सुरक्षा मानकों को ध्यान रखें, वैसे प्रोटोकॉल का पालन करें जिससे कि कोरोना आपको प्रभावित ना कर सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।